गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज ये इस कटहल की सब्जी बना रही हूँ। तो कटहल अभी मार्केट में नहीं, मतलब ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो जैसे अभी मिला कटहल तो बहुत अच्छा था, तो इसे मैं फ्राई कर चुकी हूँ। ये बात अच्छी होती है कि कटहल यहाँ पे मतलब शहरों में कटी हुई मिलती है, काटनी नहीं पड़ती है, और गाँव में तो कटहल लेके आओ, फिर तेल रखो, फिर बड़ी सी हंसिया ढूंढो और फिर उसे काटो, तो वो काटने के चक्कर में ही मतलब कटहल बनाने में थोड़ी झंझट सी लगती है। तो ये चीज़ एक बहुत अच्छी है जो कटहल यहाँ पे कटी हुई मिल जाती है। और ये है मेरा मसाला, देखने में थोड़ा सा आपको बेकार लग रहा होगा, पर ये मसाले को मैं इतना भूंजती हूँ, मतलब ये भूनना ज़्यादा ज़रूरी है, तभी कटहल की सब्ज़ी अच्छी आएगी। तो इस मसाले में मिला हुआ है प्याज है, लहसुन है, लाल मिर्च और काली मिर्च डोड़ा, बस अभी इसमें सिर्फ इतना ही था। और इसे इसमें हल्दी भी मैं डाल चुकी हूँ, नमक भी, सॉरी नमक नहीं है, नमक टमाटर के बाद डालूँगी फिर मैं। तो इसमें इतना चीज़ डाल के मैं इसे इतने अच्छे से भून ली हूँ कि ये एकदम बिल्कुल ऐसा लगा जैसे आटे का हलवा हो तला हुआ। अब इसमें डालूँगी ये मैं टमाटर, टमाटर को ऐसे डाल के और इसे इसमें से ऐसे ढक दो, टमाटर छुप जाए और इसे ठंडी बिल्कुल भी ना लगे। तो मसालों से मैंने टमाटर को ढक दिया है। अब इसमें मैं नमक डाल दूँगी, नमक डालने के बाद फिर मैं कटहल डालूँगी थोड़ी देर से, जब टमाटर हमारे थोड़ी सी गल जाएंगे। तो टमाटर गल चुके हैं पर अभी थोड़े कम गले हैं, तो ऐसे हम इस चम्मच से जरिए से ऐसे इसे मैश कर देंगे एकदम। अब टमाटर गल चुके हैं और टमाटर ने ये मसाले ने तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, तो हम इसमें डालेंगे ये तली हुई कटहल। और अब इसमें कलर लाने के लिए डाला जाएगा ये कश्मीरी का, एवरेस्ट का कश्मीरी लाल मिर्च। सब्जी को स्वाद को बढ़ाने के लिए हम ये डालेंगे एवरेस्ट का मीट मसाला। तो अब इसे डाल के मिक्स कर लेते हैं। देख के तो मुझे ऐसे फील हो रहा है जैसे मैं ये चिकन बना रही हूँ। ऐसे ही कहते ही है कटहल को, कटहल खाने से ऐसे मटन का स्वाद आता है, बन बस अच्छा जाए। तो अब बनेगा तब अच्छा जब मसाला को आप बहुत ही तलेंगे, भुनेंगे धीमी आंच पे, धीमी भी नहीं कर सकते, मीडियम आंच पे आप मसाले को कम से कम, नहीं तो इतना इतना मतलब रेड करिए कि उसमें से लहसुन और प्याज की कच्चापन चला जाए। वो अगर वो घुरा घुराया सा लगता है देखने पे, वो जब कच्चे प्याज टमाटर को डाल भुना, बिना भुने हुए डाल दिए और टमाटर डाल के फटाफट उसको दिखाए चक्कर में भून लिए, इसीलिए मैं वीडियो लंबा ना बने कह के मैंने मसाले को पहले से ही इतना भून लिया था। आप इसे ऐसे ही सूखा बना सकते हैं मसाले के साथ, सच में ऐसे दाल और चावल के साथ ऐसे सूखी सूखी सब्जी बहुत बहुत ही अच्छी लगेगी, बट मैं अभी इसे सूखी नहीं बना पाऊँगी। मैं इसमें डालूँगी पानी, मुझे चाहिए ग्रेवी वाली सब्जी, मुझे नहीं चाहिए घर में सभी लोगों को ग्रेवी वाली पसंद है, इसलिए मुझे डालना पड़ेगा इसमें एक गंजी भर के गुनगुना पानी। ये पानी मैंने पहले से ही थोड़ा गर्म कर लिया था। कोई भी सब्जी में पानी गुनगुना ही डालिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो अब हमारे कटहल समुंदर में तैरने लग गए हैं, कुछ देर बाद ये थोड़े से अपने टेक्सचर में आ जाएंगे, जितना मुझे चाहिए उतना मैं चिप्स को पका लूँ, थोड़ा थिकनेस चाहिए। तो मिलते हैं 10 मिनट बाद, तब तक ये पक जाए। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जो नए हैं वो बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाए। अब प्लीज़ यार कमेंट तो कर ही सकते हो, उसमें तो पैसे लगते नहीं हैं कि आपको ईमेल जीमेल करना हो, पैसे लगते हो। तो अब देखिए ये कटहल हमारे, अब ये कटहल हमसे बोल रहे हैं उछल उछल के कूद कूद के कि अब गैस बंद करो, अब हमको समुंदर में नहीं तैरना है, समुंदर का पानी हो चुका है बहुत गर्म। तो अब हमारे ये कटहल पक के रेडी हो चुके हैं और अब हम इसे इसमें अपने भक्ति श्रद्धा के अनुसार इसमें
कोरिएंडर लीव्स मिलाएंगे और ये सब्जी आपको भी देखने में ज़रूर पतली लग रही है, पर इसे थोड़ा देर ठंडा होने में रख देने के अगर हम तो ये थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। और इसे चावल और चावल के साथ खीरा और नींबू उसके साथ हम ये खाएंगे। तो आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा, बताइएगा कैसे लगा मेरी ये वीडियो, मेरी ये रेसिपी। आपको अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को, अगर मेरे चैनल थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगे तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक बाय बाय।